हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आपका आपकी अपनी चैनल एलएस लाइटिंग में फिर से स्वागत है। तो आज मैं जो वीडियो लाया हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फास्ट करना चाहते हैं, मतलब कि उसका प्रोडक्शन वो लोग ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उस बारे में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा इस वीडियो का सब्जेक्ट क्या है, तो भी मैं आपको इसके अंदर डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो क्या है। ये जो वीडियो है वो है ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर मशीन। ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर मशीन मतलब कि इलेक्ट्रिकल से चलने वाला स्क्रू ड्राइवर मशीन। जैसे कि हम लोग नॉर्मली तो पता रहता है कि स्क्रू ड्राइवर रहता है एक छोटा सा, एक तरह इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर रहता है जनरली। और इस स्क्रू ड्राइवर में की मदद से हम लोग को स्क्रू लगाने में के लिए टाइम लग जाता है। तो इस स्क्रू ड्राइवर का भी जमाने भी चला गया है। वैसे तो स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हैं, आपका छोटा मोटा कारोबार है, आप बल्ब दिन में 100 बल्ब बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये स्क्रू ड्राइवर इनफ है। लेकिन आपको आपका प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको अपने काम की क्षमता और ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर मशीन यानी कि इलेक्ट्रिकल से चलने वाला स्क्रू ड्राइवर मशीन यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसा होता है इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर मशीन और कैसे चलता है, उसका ऑपरेशन कैसे होता है, मतलब कि वो किस तरह से चलता है, उसका कैसे किस तरह से उसको हैंडल करना है, किस तरह से उसको चलाना है, किस तरह से मतलब उसके डिटेल में उसको जानने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर मशीन। तो दोस्तों ये हाजिर है आपके सामने, ये है इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर मशीन। आप देख सकते हैं ये दो पार्ट्स में आते हैं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये जो पार्ट्स है ये इसको बोलते हैं अडेप्टर, हम इसको अनबॉक्स करके भी चेक कर लेंगे। और दूसरा जो पार्ट्स आता है ये है मशीन, मेन मशीन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये एडेप्टर क्या चीज़ होती है। तो मैं इसको अभी अनलॉक कर रहा हूँ, इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये आ गया है अपना एडेप्टर बॉक्स से बाहर। ये हटा दिए हमने इसकी प्लास्टिक, तो इस तरह से कुछ ये दिखता है, एडेप्टर है इसका। ये एडेप्टर के अंदर कनेक्शन देखने जाएंगे तो ये अपनी जो मेन कोड रहता है जो है 230 वोल्ट से चलने वाली, मतलब अपने जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें ये लग जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर पिन देखेंगे तो दो आउटपुट पिन देखिए, दो आउटपुट पिन है यहाँ पे, मतलब कि आप एक ही एडेप्टर की मदद से चाहे तो दो स्क्रू ड्राइवर चला सकते हैं। देख लीजिए ये है दो आउटपुट, और इसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूज़ भी दिया हुआ है। और आगे की साइड में हम देखेंगे तो ये है एक मेन स्विच ऑन ऑफ के लिए, और ये है 1 2 3, मतलब कि 3 स्टेप में है, मतलब ये 1 पे स्लो स्पीड रहेगी, 2 पे उससे थोड़ी हाई स्पीड, और 3 पे सबसे हाई स्पीड, 1 2 3। और ये ऑफ, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। ये इसका वेट होता है 1 2 kg के आसपास रहता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर आता है इसके लिए ये थोड़ा वेट रहता है इसका। लेकिन इसको तो हमको कैरी नहीं करना है, इसको तो क्या है कि वन एक साइड पड़ा रहता है ये, और अपनी जो भी स्क्रू ड्राइवर की पिन होती है इसमें लग जाएगी। तो आइए देखते हैं अभी हम मशीन कैसा होता है। तो दोस्तों ये है अपनी स्क्रू ड्राइवर मशीन, चलिए इसको भी हम लोग अनबॉक्स कर देते हैं। तो ये आ गया, ये अपना है स्क्रू ड्राइवर मशीन, देख लीजिए अच्छा है, मजबूत भी है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। ये स्क्रू ड्राइवर मशीन है कुछ इस तरह से, इसकी केबल भी काफी लंबी है, और ये मैं इसको केबल को भी खोल लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये केबल इसके अंदर बहुत काफ़ी लंबी आती है, अच्छी केबल है,
तो मतलब आप को चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप थोड़ा इसको केबल और इसके अंदर है ये दो निब आती है, इसके अंदर ये दो निब आती है, एक छोटे स्क्रू ड्राइवर के छोटे स्क्रू के लिए है और एक बड़े स्क्रू के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले जो अपना ये एडेप्टर रहता है, एडेप्टर के अंदर ये जो केबल है 220 वोल्ट की, इसको सबसे पहले हम अपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे इसको, यानी कि ये जो पिन है वो 220 वोल्ट में। स्विच चालू कर देंगे, स्विच चालू हो गई है, देख सकते हैं अभी यहाँ पे अपनी सप्लाई आ गई है, लाइट चालू। आप चाहे तो यहाँ से भी इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑपरेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है अभी हम इसको स्लो स्पीड पे रखते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे जो दो पिन दिया हुआ है इसमें से किसी भी एक पिन में अपना जो स्क्रू ड्राइवर रहता है वो पिन इसमें इंसर्ट कर दीजिए। ओके ये हो गई है यहाँ पे, अभी आइए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको। बड़ा ही आसान होता है इसको चलाना, देख सकते हैं। चलिए अभी इसके अंदर हम लोग निब लगा देते हैं। तो मैं इसको निब लगाने के लिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक कलर में, उसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे करना है और ये निब इसके अंदर तो निब इस नीचे करेंगे इसको और ये नीब इसके अंदर डाल के ये ब्लैक कलर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ला देंगे। तो देख सकते हैं आप कितना आसान होता है इसको चलाना। और इसके अंदर दोस्तों एक फैसिलिटीज भी होती है, यहाँ पे देखिए पीछे की साइड में यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, ओके। तो ये जो स्विच है इसमें दो पोजीशन है, वन पोजीशन एंड टू पोजीशन, मतलब कि ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है। फॉरवर्ड रिवर्स का मतलब ये होता है कि मानो कि आप अभी स्क्रू लगा रहे हैं तो इसको फॉरवर्ड में करना है, फॉरवर्ड करेंगे तो ये जो आपका स्क्रू ड्राइवर है वो टाइट पोजीशन में घूमेगा, फिर उसको रिवर्स करने के बाद वो रिवर्स कंडीशन में चला जाता है, तो मतलब दोनों डायरेक्शन आपको मिल जाती है इसके अंदर। और इसके साथ में दो नीब आती है, ये है बड़े स्क्रू के लिए और ये है छोटे स्क्रू के लिए। तो देखा दोस्तों आपने कि एक इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप अपना जो है बल्ब बनाना कितना फास्ट हो जाता है, स्क्रू लगाना कितना इजी हो जाता है, और इसकी जो मशीन की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे हम वो मशीन जितनी ताकत कर सकता है उतनी ताकत हम नहीं कर सकते। तो आप भी एलईडी बल्ब का बिजनेस करना चाहते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इस मशीन को आप ले सकते हैं। ये मार्केट में कहीं से भी आसानी से मिल जाता है। इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर मशीन। आप कोई भी शॉप में जाएंगे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर मशीन चाहिए तो आपको ऐसा ही या फिर सिमिलियर इसके जैसा मिल जाता है। कंपनी कुछ अलग हो सकती है लेकिन सबका प्रिंसिपल एक ही होता है। बस खाली ख्याल इतना रखें कि आपको जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो जेन्युइन हो, वो ओरिजिनल हो, क्योंकि मार्केट में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती तो है लेकिन कुछ कुछ जो रहता है डुप्लीकेट भी माल रखते हैं,
तो सावधानी रखिए, कुछ भी रहता है लेने से पहले, कुछ भी प्रोडक्ट लेने से पहले जानकारी नहीं है तो उससे कुछ आप पूछ भी सकते हैं कि क्या चीज़ होती है। और बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमारे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ एलईडी बल्ब के रिगार्डिंग। चलिए अब मेरा तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।